मंसूरी, स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला कर दिया था, जिसमें करीब 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश की कमर तोड़ी थी। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को आज एक साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में पूर्व वायुसेना चीफ बीएस धनोआ ने कहा कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो संतुष्टि होती है, हमने बहुत से सबक सीखे हैं और बालाकोट ऑपरेशन के बाद कई चीजें लागू हुई। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से यह ऑपरेशन किया उससे मिसाल बनी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि हम पाकिस्तान में घुसकर ट्रेडर ट्रेनिंग कैंप पर हमला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच मंगलवार की देर रात जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट और कुछ पूर्व छात्रों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। देर रात मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे करीब 30 छात्रों को सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हुए प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल से स्थानीय विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और तनाव को कम करने के लिए शांति मार्च आयोजित करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नागरिकों को सूचित करने और सभी बचाव कार्य को प्रभावित क्षेत्रों से अस्पतालों तक पहुँचाने की अनुमति देने को भी आग्रह किया। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बयान में कहा है कि अब तक वकीलों को हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से मिलने की अनुमति नहीं मिली है, पुलिस उन्हें रिहा नहीं कर रही है, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर उनकी पिटाई की गई, उनके फोन स्विच ऑफ कर दिए गए। हम छात्रों और पूर्व छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, जिन्हें सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल CNCC TV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।